प्रेम ऐसी चीज है ना, तो ये खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, ये कुदरत की ऐसी देन है, ये अकस्मात हो ही जाता है, किसी से भी हो जाए प्रेम। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना टिकाना चाहते हो तो तीन चीजों का ध्यान हमेशा रखो। तीन बाधा होती है प्रेम के बीच में, कौन सी? दोस्ती न कर दे अलग मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। दोस्ती न कर दे अलग मतलब लालच दाम, वो दोस्त बादी जब मिले बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम करते, प्रेम थोड़ी है, और किसी लालच से प्रेम करें वो भी प्रेम नहीं है। एक दिन हमने पुस्तक में पढ़ा कि प्यार में और प्रेम में भी अंतर होता है, प्यार अलग होता है प्रेम अलग होता है, इसमें क्या अंतर हो सकता है भैया? उसमें लिखा हमने एक दिन देखा अकस्मात, मैंने किताब मेला में गया उस दिन में मेला देखने के लिए, एटा मेला लगा है अभी, तो हम गए तो वहां एक पुस्तक बेच रहा था, वहां किताब बहुत सी रखी थी, उसमें ये लिखा था प्यार में और प्रेम में मतलब क्या है। तो हमने सोचा ये तो अब लायक चीज है ऐसे लो, तो हमने उसमें पढ़ा प्यार में और प्रेम में अंतर देखो, प्यार में मतलब होता है और प्रेम में कोई मतलब नहीं होता है, प्यार में मतलब होता है प्रेम में मतलब नहीं है। देखो प्रेम उसे कहते हैं जैसे भाई और बहन में प्रेम, इन दोनों में प्यार नहीं होता प्रेम होता है, और मां और बेटे में प्रेम, मां और बेटे में प्यार नहीं है प्रेम है, क्योंकि अंदर से लगाओ उससे, और प्यार प्यार की दशा अलग है, प्यार जैसे आदमी और औरत का प्यार, पति और पत्नी में प्यार होता है प्रेम नहीं होता है, और सुनो प्रेम संजा को रजैया में 6 बजे मुड़ दे लो, फोन कान से ही लगो सवेरे के 10 बजे में बातें चल रही है, ये क्या है प्यार? प्रेम नहीं है, जब तक मतलब है तब तक हम तुम्हारे पीछे पीछे, मतलब निकल जाए तुम अपाई करे हम अपाई करे हमें क्या करना है। तो देखो एक गीत हमारे मामा जी ने भी गाया था, वो भी कहते थे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, ओ दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, अगर तुम्हें सुबह सुबह दुश्मन मिल जाए वो बढ़िया है, लेकिन मतलब ही यार नहीं मिले। और सुना अपने पति को छोड़ प्रेम जो गैर से करे, अपने पति को छोड़ प्रेम जो गैर से करे, नारी गोरी हो जाए कारी पद चलना सुदामा तो लालच में ही पड़ी गए। एक दिन गुरु माता बोली।